The whole world will acknowledge. WWE समेत दुनिया के सभी प्रो रेसलिंग प्रमोशंस द्वारा आयोजित किए जाने वाले इवेंट स्क्रिप्टेड होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिंग में परफॉर्म किए जाने वाले मूव्स दर्दनाक नहीं होते। इस इंडस्ट्री में सफलता पाने के लिए किसी को केवल रिंग में ही नहीं बल्कि प्रोमो देने के अलावा एक्टिंग में भी अच्छा होना चाहिए। मगर यहाँ ऐसे रेसलर भी काम कर चुके हैं जो असली में कॉम्बैट स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं। उनमें से कोई बॉक्सर रहा है तो कोई मिक्स मार्शल आर्टिस्ट। इस वीडियो में आइए जानते हैं उन चार मौजूदा WWE रेसलर्स के बारे में जो आपको एक पंच में नॉकआउट कर सकते हैं। WWE सुपरस्टार बैरन कॉर्बिन। बैरन कॉर्बिन को फैंस चाहे उनके हील किरदार के लिए ज्यादा पसंद ना करते हो, लेकिन इस बात से कोई संदेह नहीं है कि वो मौजूदा रोस्टर में सबसे बेहतरीन इन रिंग परफॉर्मर्स में से एक है। उनकी शानदार स्किल्स का श्रेय उनके बॉक्सिंग बैकग्राउंड को जाता है। कॉर्बिन अपने एमेच्योर करियर में रीजनल लेवल पर 2 बार गोल्डन ग्लव्स बॉक्सिंग चैंपियन बने थे। इसके अलावा भी वो कई बड़ी टूर्नामेंट में फाइट कर बॉक्सिंग का अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। वो WWE में अपने मैचों में दमदार पंच लगाते हुए नजर आते हैं और उनकी खतरनाक बॉक्सिंग स्किल्स को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि वो एक ही पंच में आपको धराशायी कर देंगे। लोगन पॉल। लोगन पॉल दुनिया के सबसे फेमस यूट्यूबर में से एक है और दुनिया भर में उनके फैंस मौजूद है। इसलिए जब उन्होंने कॉम्बैट स्पोर्ट्स में कदम रखा तो काफी लोग उन्हें फाइट करते देखने को उत्साहित थे। वो पूर्व बॉक्सर रहे हैं, शायद इसी वजह से उन्हें WWE के मैचों में अच्छा प्रदर्शन करने में आसानी हुई है। उनकी 2021 के महान बॉक्सर फ्लॉयड मेवेदर के साथ फाइट को खूब पसंद किया गया था, जिसने जबरदस्त रेवेन्यू जनरेट किया था। वही WWE के हालिया सेगमेंट में उन्होंने रोमन रेंस के कजिन ब्रदर जय उसो को एक पंच लगाकर नॉकआउट कर दिया था। मैट रिडल। मैट रिडल को इस समय WWE में बड़ा पुश मिल रहा है और संभव है कि अगले 1-2 सालों में वो कंपनी के सबसे मुख्य सुपरस्टार में से एक बन सकेंगे। उन्होंने 2014 में प्रो रेसलिंग में कदम रखा, लेकिन वो उससे पहले एक मिक्स मार्शल आर्टिस्ट हुआ करते थे। वो UFC के अलावा बैलेटर समेत कई अन्य टॉप मिक्स मार्शल आर्टिस्ट प्रमोशन के लिए फाइट कर चुके हैं। हालांकि द ओरिजिनल ब्रो रेसलिंग बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन एक फाइटर तभी अच्छा मिक्स मार्शल आर्टिस्ट बन पाता है जब उसे कई खेलों के महारत हासिल हो। रिडल ने अपने करियर में न केवल सबमिशन से मैच जीते बल्कि अपने विरोधियों को नॉकआउट करते हुए भी विजय प्राप्त करी है। ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर ने साल 2002 में अपना WWE मेन रोस्टर डेब्यू किया था और यहाँ आने के कुछ ही महीनों के अंदर वो वर्ल्ड चैंपियन बनने का गौरव हासिल कर चुके थे। उन्होंने ज्यादा सफलता पाने की तलाश में 2004 में विंस मैकमैन के प्रमोशन को छोड़ने का फैसला लिया और आगे चलकर मिक्स मार्शल आर्टिस्ट में खूब सफलता हासिल की। मैट रिडल की तरह ब्रॉक लेसनर भी रेसलिंग बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन वो कई अन्य प्रो रेसलर को लहूलुहान कर दिखा चुके हैं कि उनके हाथों में जबरदस्त पावर है जो एक ही क्षण में किसी व्यक्ति को पस्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करने के साथ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।